काश या हसरत, ये कहते हैं ना, काश मैं ये करता या वो करती, ये शैतान का अमल है। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सही मुस्लिम की रिवायत है 6774-2664। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे तो ना कहो काश मैं इस तरह करता, तो ऐसा ऐसा होता, बल्कि ये कहो ये अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है, इसलिए कि हसरत करते हो। काश कहना शैतान का अमल है कि, और शैतान का दरवाजे को खोल देता है। काश जब हम कहते हैं ना, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये क्या है, शैतान का दरवाजा खोलना है। और शैतान क्या करता, हुजन डालता, ग्रीव डालता, सौरव डालता, सैडनेस डालता। अब वहां से आप क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह पे बिलीव करते, और ईमान का हिस्सा क्या है, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना। तो काश नहीं कहना चाहिए, जो अरबिक बोलते हैं ना, लव इफ, काश, ये बातें नहीं कहना। जो हमारी तकदीर में है, अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर ना नुकसान पहुंचता ना फायदा पहुंचता, सब चीज़ अल्लाह के हाथ में। हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, फिर भी अगर बीमार हो गए, मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट हो गई, या कोई माली नुकसान हो, जाली या जानी नुकसान है, वो अल्लाह की इज़्ज़त से है। जजाकल्ला खैरन कसीरा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है इल्म कुरान।